आपको मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि गाड़ी किस तरीके से ली जाती है। बदमाशी करता है फुल जीप के अंदर, थारा थारा तक वो ऐसा शोरूम मिल नहीं रहा। एक अभी लेक्सस का शोरूम निकाल लें पापा, लेकिन क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 के करीब है, तो गाड़ी आपको फटाफट मिल जाएगी। बॉयज मैंने आती गाड़ी पसंद कर ली, सब कुछ हो गया। अब आपका भाई ले रहा है ये वाली। Hop in, we zoom in, the package be booming. Yeah, we got it. She picking and choosing and love with the moment. Assalamualaikum everyone. तो क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। So boys, सर्दी की जो है तपिश अभी तक खत्म हुई नहीं है, उससे ज्यादा बढ़कर सर्दी हो गई आज तो। इसका हमने तोड़ निकाला ये जैकेट, मोटी जैकेट पहन लिए, काम होता है कि अब सुकून हो गया, लेकिन कानों में बड़ी ठंड लग रही है भाई। पूछा मैंने कुछ? खैर अब ये ठंड तो चलती रहेगी। तो अभी हमारा सीन ये है कि आज भी अम्मा, मैं और पापा जी जा रहे हैं, सुदेम नहीं जा रहे क्योंकि सुदेम की तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी अगेन हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह इरादा यही है कि गाड़ी हम डन कर देंगे। और आज आपको मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि गाड़ी किस तरीके से ली जाती है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दूंगा। लेकिन पहले चलते हैं हम गड्डी के अंदर अपनी जट्टा में, फिर घूम के आते हैं आगे से। लेट्स गो। गाइस मैंने आती गाड़ी पसंद कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह भाई सौदा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपका भाई ले रहा है ये वाली गाड़ी। अबे साले भाई जान, चेक दिस आउट यार, कसम से ये है असल ड्रीम कार भाई। ये लेने का अपने को कभी ना कभी तो लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह लेंगे तो यही लेंगे। अंदर से आपको चेक कराता हूँ इसका सेटअप। सेक्सी गड्डी है भाई। खैर भाई हमने तो जो देखना है वो देख लिया है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी लेंगे, टेंशन वाली। अबे भाई साहब यहाँ तो सड़ी बड़ी बड़ी गड्डियाँ हैं, यहाँ भी आके हमें कोई फायदा नहीं हो रहा भाई जान। ये ले लेते हैं आपका भाई, सोच रहा है ये बड़ी बेस्ट है भाई जान, फैमिली कार है, सुकून से घूमेंगे। दिस व्हीकल नॉट फॉर सेल। देखा भाई ये सेल के लिए नहीं है, वरना आपका भाई लेता यही वाली। चलो 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 चलो, ये कौन सी है? अरे मालिबू, डगी भाई ने मालिबू चलाई थी, वही गाड़ी है भाई जान, देख सकते हैं आप लोग। ये है शेवी मालिबू, वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस। हैंड की आंख हो गई, मतलब कोई गाड़ी तरीके की है ही नहीं। आप लोग देखें, अब आप लोग बताएं इनमें से कौन सी ऐसी गाड़ी है जो तरीके की है, बंदा सोचे हाँ ये वाली ले लेता है। ये वैन चलाऊं किडनैपिंग के लिए, इस्तेमाल करूं किडनैप करना शुरू कर दिया, ये ट्रक चलाऊं बदमाशी करूं गार्ड बिठा के, क्या करूं मैं यार? तो बोलता हूं सब छोड़ो यार, आपका भाई बदमाशी करता है फुल जीप के अंदर, थारा थारा रोटी वाला, ये वाला रोटी वाला ये। खैर मजाक मस्ती अपनी तरफ यार, बॉयज गाड़ी नहीं मिलके दे रही, देखें तो सही मतलब कोई तरीके की गाड़ी है ही नहीं। अगर मैं मजदा चला गया तो सिर्फ मजदा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था सारी मिक्स गाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ मिक्स गाड़ियां भी अजीब ही गुरबा कोई गाड़ियां भाई नहीं यार, बॉयज सारी बेकार गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, हमने कोई चलानी है नहीं है बड़ी गाड़ियां, फायदा नहीं है, छोटी गाड़ी देखते हैं। अरे भाई साहब सब में मुझे एक ये दिखी एलेंट्रा, लेकिन भाई साहब इसका शेप मुझे नहीं पसंद, ये चेक करें ऐसा लगता है बिल्ली रो रही है, मतलब अजीब सा मुंह है भाई साहब। मैंने बोला पापा जी नहीं, अपना मतलब सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है मुझे, वो आप लोगों को भी बताओ, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गई होगी। गाड़ी ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्या पीछे से आवाज आई है? अरे यार मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, मसला नहीं है, तुम्हें सही होने दिया हुआ है, आता हूँ थोड़ी देर में, जब तक हम दूसरी गाड़ी देख लेते ना चल के। अरे बॉयज जाने से पहले हम एक पार्किंग लॉट में रुके हैं, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कोई और शोरूम। मैंने अभी रस्ते में शोरूम देखता हूँ, आया हूँ यार वो एक होंडा का शोरूम है, तो होंडा की गाड़ी है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी जगह हो ना जहाँ सारी गाड़ियाँ मिक्स हो, मतलब लेक्सस भी हो, ईच एंड एवरीथिंग, मर्सिडीज से लेकर बीएमडब्ल्यू से लेकर सारी हो, लेकिन अभी तक वो ऐसा शोरूम मिल नहीं रहा। एक अभी लेक्सस का शोरूम निकाल लें पापा, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ नई गाड़ियाँ हैं, जीरो मीटर में लेना नहीं चाह रहा अभी, मैं चाह रहा हूँ सेकेंड हैंड पे जाऊँ। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, यहाँ पर यही खुआरियाँ हैं यार, एक शोरूम पे मिलती नहीं है, दूसरे शोरूम 25 मिनट दूर, 50 मिनट दूर, ऐसे दूर दूर है यार, हद हो गई, मतलब इतना भी पागल ना करे यार ये अमेरिका। यार बॉय आई एम रियली सॉरी, मैंने बाद में नोट किया जब मैंने कमेंट पढ़ा ना कि मैंने कार मिक्स हूँ, कार फैक्स बोल दिया था, अल्लाह अकबर मेरी जबान और मैं यार, आई एम सॉरी बॉयज, वो कार मैक्स है, वो कार फैक्स नहीं है, कार फैक्स कुछ और ही है, वो कार फैक्स की रिपोर्ट निकलती है ना असल में जो गाड़ियों की, वो कार फैक्स पे निकलती है, तो मुझे वो याद था, मैंने और अभी बैठा हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है पेपर वर्क बहुत होता है, तो वो पेपर वर्क कर रहे हैं, मैं जब तक बैठा हूँ, लेकिन अभी तक आपके भाई को जो है कोई गाड़ी पसंद नहीं है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कि कतर गाड़ी ले लूँ, आगे लगा के घूमता रहूँ, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है अब एंड में वही निकलेगा हल। लेट्स सी कि क्या होता है, पेपर वर्क यहाँ पर बहुत होते हैं, आपको मैं सारा सीन बताऊंगा, मैंने आपको बताया जैसे कि किस तरीके से गाड़ी बाय होती है, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को मैं एंड में बताऊंगा।
भाई सारे मंजन तो चलते रहेंगे, गाड़ी आए या नहीं आए, तो भूख तो भाई नेचुरल है। तो अभी मैं आ गया हूँ टेक्सास चिकन बर्गर, और सुदेम भाई का भी फोन आया, उन्होंने कहा मुझे भी खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ले लेते हैं और सुदेम भाई के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि घर जो है वो करीब है यहाँ से, क्योंकि हम हैं हलाल एन आउट के पास, वहाँ पे हलाल एन आउट है और ये टेक्सास चिकन बर्गर। तो अंदर चलते हैं, अपने लिए बर्गर लेते हैं, सुदेम भाई के लेते हैं, फिर निकलते हैं भाई। Few minutes later. ए अल्लाह जी, बोए सीन ये हुआ, आपके भाई को भूख इतनी लगी हुई थी कि आपके भाई से सबर ही नहीं हुआ, मैंने डायरेक्ट आया खाना खोला बोलना शुरू कर दिया, और मैं अभी आ गया हूँ मैकेनिक पे, अपनी गाड़ी हो गई है रेडी, बिल्कुल सुतरी हो गई है, तो उन्होंने कहा भाई जान यू गुड टू गो, जाओ अब मंडते रहो गाड़ी को, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई है सेट। तो अभी घर चलता हूँ, आपको वो डिटेल बताता हूँ कि क्या कहते हैं गाड़ी किस तरीके से परचेज की जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, और अभी तक जो है वो गाड़ी मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई है, एक गाड़ी समझ आई उसकी बात चल रही है, लेट्स सी कि क्या होता है, चलते हैं अभी घर। अल्लाह जी बॉयज, अब घर आ गया हूँ मैं, सुकून से बैठा हूँ, कसम से थक गया, हालत पतली हो जाती है, मतलब छोटे छोटे से काम के लिए बंदा इतना ख्वार हो जाता है, लेकिन खैर सारे काम जो है वो सारे काम के थे, अरे सारे काम जो है वो सारे काम के थे, यार आपका भाई जो है वो शायरी भी करने लग जाता है छोटी छोटी सी, भाई मतलब काम जो है वो सारे जरूरी थे तो वो जो है वो कम्प्लीट कर लिए, लेकिन अभी तक मेरा कोई माइंड सेट बैठा नहीं है। अभी मैंने डिस्कस किया घर के अंदर कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी, लेकिन मैंने जो है वो डिक्लाइन कर दिया ये वाली स्कीम कि मैं नहीं ले रहा गाड़ी, अभी नहीं ले रहा, अगर पापा आपने लेनी है तो आप ले ले, मैं अभी हाथ नहीं डालना। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि मैंने जो है बड़ा हाथ मारना है, तो उस बड़े हाथ के लिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तो मैं एकदम सीढ़ी चढ़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि एकदम सीढ़ी चढ़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो मुझे गिरना नहीं है भाई, मैं आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, सपोर्ट दिखाते रहे, तो बड़े टाइट टाइट सीन हो जाएंगे। तो बॉयज मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैंने डिक्लाइन कर दी वाली स्कीम, तो अब्बा जी को बोला कि आप ले लें, पापा ने बोला ठीक है मैं दूसरी गाड़ी ले लेता हूं अपने लिए, मैं ओके हो गया, हमारा सीन ऑफ है भाई। तो चले बॉयज मैं आपको बताता हूं कि आपको गाड़ी परचेज के लिए क्या क्या सिस्टम चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लाइसेंस है वो एक दो साल पुराना होना चाहिए, इफ नहीं है तो इसकी भी स्कीम मैं बताता हूं, अगर आपका लाइसेंस जो है दो साल तीन साल पुराना है और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 to 800 के करीब है तो गाड़ी आपको फटाफट मिल जाएगी, वो भी लो APR। APR मतलब जो लो टैक्स लगता है आपका, मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 8 है ना तो आपका APR जो है वो 9% कम ऐसे कुछ 9% के करीब लगता है ना, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नीचे है तो 25% 30% इस तरीके से लगता है, मतलब अगर 20,000 की चीज है वो 40,000 की हो जाएगी, मतलब आपको पे करने पड़ेंगे, ऑफकोर्स आप गाड़ी फाइनेंस करा रहे हो, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपने सिंपली जाना है, उसको अपना लाइसेंस देना है, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, देन आपको सारी स्कीम बता देगा कि आपकी मंथली पेमेंट क्या बैठ रही है, आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी है, और अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा कर देंगे तो आपकी मंथली पेमेंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर 20,000 की गाड़ी आपने 5,000 डाउन पेमेंट कर दी 15,000 बचे तो आपकी मंथली जो है वो 250-200 के करीब आ जाएगी, तो ये बेस्ट स्कीम है। और अगर आपके पास डाउन पेमेंट कम है तो आपने सिंपली ये करना है कि $2,000 $1,500 $1,000 जितना आप दे सकते हैं, लेकिन आपकी मंथली पेमेंट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपका क्या कहते हैं APR जो है वो जो आपका टैक्स लगेगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि आपके पास अगर क्रेडिट स्कोर नहीं है, आपका लाइसेंस पुराना है, तो इसकी बनिस्बत आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को गाड़ी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स न्यूयॉर्क में गाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी जिंदगी में वो ऐसी एक चीज है ना, अगर आपकी नहीं है ना वो तो आप हैंडीकैप फील करते हो ना, तो गाड़ी तो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगा एक अदद कोसाइनर, जो कि यहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद होना चाहिए, उसका लाइसेंस पुराना होना चाहिए, मतलब उसने जो गाड़ी ली हुई हो कोई ना कोई, तो उसके हिसाब से वो कोसाइनर चाहिए होता है इनको ना, तो इफ आपके पास कोसाइनर आ जाएगा तो आप कोसाइनर उनको दे दिएगा, वो आपके कोसाइनर की डिटेल मालूम कर लेंगे और उसमें लिख देंगे, आपको अटैच कर देंगे उसके साथ, लेकिन इसमें जो है वो कोसाइनर के क्रेडिट स्कोर पे 0% अफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी चीज पे भी, वो सिर्फ एक सबूत के तौर पे है कि हाँ यार ये इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद कुछ फॉर्म होते हैं जो कि आपने फिल करने होंगे, फिर आपका फॉर्म जो है वो जाएगा इनके डिपार्टमेंट में, देन वो अप्रूव होके आएगा, मतलब टोटल जो है एक दिन का टाइम है ना, एक दिन बाद आपके पास बोलेंगे ये लें गाड़ी की चाबी, ये आपकी गाड़ी हो गई, इंश्योरेंस करानी पड़ेगी आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कॉल करें, कॉल पे इंश्योरेंस हो जाती है, कोई इतना बड़ा चक्कर नहीं है, इंश्योरेंस होगी, प्लेटें लेने के लिए आप DMV जाएं, DMV जाके उनको बोले प्लेटें चाहिए ऐसे ऐसे ये चीजें, वो आपको 2 मिनट में वहीं प्लेटें दे देंगे, आप हो गए गुड टू गो वाला सीन ना, आप चलाएं फिर गाड़ी सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब इसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है कि कोई परेशानी हो, मतलब कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर आपके पास सारी चीजें लीगली तौर पर मौजूद हैं तो कोई परेशानी आपको फेस नहीं करनी,
करनी पड़ेगी, आपने सिर्फ गाड़ी लेनी है अपनी फेवरेट, जॉन सी भी आपको पसंद है, आपकी ड्रीम कार ले और चलाना शुरू कर दें। लेकिन फिर आपको एक बात एंड में बताता चलूं कि आपने जो वो APR का खास ख्याल रखना है, कम से कम APR में गाड़ी लेनी है, पहले उससे पूछ लें कि इसका APR कितना देना पड़ेगा, मतलब टैक्स हम ऊपर कितना देना पड़ेगा, इसको क्या सीन है। तो वो ज्यादातर यहाँ पे जो है वो 20% रखते हैं, 25% रखते हैं, कमाने के जरिए बॉयज। अगर आपको एक सहूलत फराम कर रहे हैं लोग तो वो कमाएंगे भी नहीं, लेकिन आपको उनको कमाने नहीं देना। आपने बोला भाईजान मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, आप मुझे APR बताएंगे कितना लेना है, अगर 9-10% है उसके अंदर अंदर है तो बेहतरीन सीन हो जाएगा, आपकी लाइफ भी इजी हो जाएगी और कोई टेंशन भी मौजूद नहीं होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके भाई ने गाड़ी का मना कर चुका है और सीन ऑफ हो चुका है, बब्बा जी ले लें तो ले लें, उनकी मर्जी, आपके भाई के पास दूसरी वाली बक्साब है तो हम उसको चलाएंगे। हमें थोड़ा सा आगे का सोच रहे हैं यार बॉयज, आप हमारी फैमिली है, मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करता हूँ, मुझे दिल की तसल्ली हो जाती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि आपकी फायदे के लिए मैं सारी चीजें बताता हूँ, जो मुझे दिखाना होता है काम की चीजें वो भी दिखाता हूँ और जो नहीं दिखाना होता वो भी दिखा देता हूँ। भाई साहब मैं सब चीजें दिखा रहा हूँ आपको। इसी बात पे आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, माना छोटा सा होगा लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेटिव चीजें मैंने आपको बता दी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, Hop in, we zoom in, the package be booming. Yeah, we got it, she picking and choosing and love it.